शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे कौन हो तुम? अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी। आप ही मुझे धोखा देकर छोड़कर चले आए। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या होगा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरा कसूर क्या है? तू है कौन और तू ये क्या बकरी है? मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझसे ऐसी प्यार भरी बातें की, मुझसे इतने वादे किए, इतने दिन हम साथ रहे, हमारा अपना बच्चा सब भूल गए और पूछते हैं मैं कौन हूँ। क्या हमारे इस प्यार के फूल को देखकर भी आपको याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ? अब 5 बज चुके हैं, ये कैसे रही? ये लड़की कौन है? कैसी बातें कर रही है? इनसे नहीं, मुझसे पूछिए। ये मेरे इस बच्चे के बाप है। प्यार मुझसे किया और दौलत के लिए शादी आपसे की। इन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप तो दौलत वाली है, आपको तो कहीं मिल जाएगी। इन्हें छोड़ दीजिए। इनके सिवा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है, कोई नहीं है। What a good artist. आप अगर मुझे अपना नहीं सकते तो मुझे जहर दे दीजिए, फिर आप जिसके साथ चाहे घर बसा सकते हैं। लेकिन एक बाप होने के नाते मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए। बस अरुणा बस, तुम्हारे आंसुओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। सॉरी अरुणा। रेखा, जो बाद में तुम सबको बताना चाहता था वो यही थी, अरुणा मेरी बीवी है। आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मिश्रा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं सबकी मौजूदगी में तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। आई एम सॉरी। मिश्रा, कोई फायदा नहीं, मंत्र पढ़ो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, नमामि देवम गणनायकम सदा, भजामि पुष्पे सततम विनायकम। जीजाजी रुक जाइए। जीजाजी ये नाइंसाफी है, ये पाप है। मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। ये आपके बहन के समान है। पर ये तो कहती है कि मेरी बीवी है और ये बच्चा मेरा बच्चा है। मैंने तुझसे कहा था ना मैं तुझसे जल्दी शादी करूंगा, तो फिर ये नाटक कैसा? और ये बच्चा कहां से आया है? इन दोनों ने मुझे इस आधे घंटे के नाटक के लिए 10,000 रुपया देने का वादा किया था। क्या? राम कृष्ण हरि। इसलिए मेरे बाप ने यहाँ भेज दिया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा ही घर है। अब मैं और देर नहीं कर सकता, नहीं तो तुम कहीं और जाके नाटक करने लगोगी। जी जी जरा मंगलसूत्र देना। आप अपना मंत्र जारी रखिए। नमामि देवम गणनायकम सदा, भजामि पुष्पे सततम विनायकम। पटा, ये तुम क्या कर रहे हो? इसको शादी कहते मम्मी। अब तक मैं चुप रहा क्योंकि तुम्हें कुछ कहने की आज तक मेरे में हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम्हें ये रिश्ता कभी गवारा नहीं होगा, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नीरज, तुम चिल्लाओगी तो मैं डर कर रुक जाऊंगा, और अगर मैं रुक गया तो तुम हम दोनों को अलग करने की कोशिश करोगी। ये हम होने नहीं देंगे, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मामा जी, मामा जी, आपने उस लड़की को नाटक करने के लिए क्यों बुलाया था? मुझे और रेखा को अलग करने के लिए ना? हाँ, ताकि मेरी बेटी की जिंदगी सुखी हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं जो बच्चा तुम लेकर आए थे वो किसका है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? रेखा, तुम अपने पति से साफ साफ पूछो ये बच्चा किसका है। मामा जी ने भी मुझसे यही कहा था, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज मैं पूछने पर मजबूर हूँ कि ये बच्चा कौन है, इसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये बच्चा मेरे चाचा जी का पोता है। चाचा का पोता?
तुम्हारा मतलब दादा का पोता। देखो ये पट्टी किसी और को पढ़ाना। साफ साफ बता दो कि इस बच्चे से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या है? मुझे तो लगता है कि इसने बाहर चप्पू चलाया है। बोलो इस बच्चे की माँ कौन है? इतने लोग पूछ रहे हैं फिर भी तुम सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तब तो ये बच्चा जरूर तुम्हारी नाजायज औलाद है रेखा। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम इस बच्चे को और इस बुड्ढे को इस घर में क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे और इस बच्चे के माँ के बीच जरूर कोई नाजायज संबंध है रेखा। मैं बताता हूँ कि सच क्या है। धीरज आप मत रोकिए भाई साहब, जब ये लोग आपके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बच्चा मेरा बेटा है, ये मेरा और राजा की बहन इंदु का बेटा है। धीरज ये तूने क्या किया? जिस लड़की को मैंने बहू बनकर इस घर की चौकट लांघने को मना कर दिया था उसके साथ घर बचाने की हिम्मत कैसे की? इस बच्चे का बाप बनकर इसे इस घर में लाने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं मम्मी मुझे पहले ही मालूम था तुम क्या करने वाली हो। तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी हुकूमत, इन सबको मेरा आखिरी सलाम। क्या? मैं जा रहा हूँ। धीरज बेटे सुना मेरी बात। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। रुक क्यों गई? चिल्लाओ। लेकिन उनकी अपनी छोटी सी दुनिया इस नरक से कहीं ज्यादा सुखी होगी जहां प्यार का कोई नामो निशान नहीं। एक दिन तुमने अपने अभिमान की वजह से अपने पति को ठोकर मारकर इस घर से निकाल दिया था और आज अपने बच्चों को निकाल रही हो। एक एक करके हम सब चले जाएंगे, फिर तुम अकेली अपनी दौलत और अपने रुतबे को अपने सर पर लादे हुए फिरना। देखो बेटी, तुम्हारा पति हीरा है। अपनी मां के आंचल से मत बनना जिसके दिल में अपने पति के लिए कोई आदर नहीं। तुम भी जाओ बेटी, जाओ और सुखी रहो। आप मेरे पिताजी हैं? हाँ, तुम्हारे पापा। तुम्हारी मां इतनी जिद्दी है कि तुम्हारे पिता को अपना पति तक नहीं कह सकती। बस यही खाई हम सबके बीच में। मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि जब तक मेरी बहन का घर नहीं बस जाता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मां कि एक दिन मुझे आपके बेटे होने का अफसोस होगा। मैं जा रही हूं मां, चलो। सासू जी, आपने मुझसे कहा था कि शाम के 5 बजते-बजते आपके बच्चे मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। शाम के 5 बज चुके हैं और वही बच्चे आपको छोड़कर चले गए, आप अकेली रह गई। सासू जी, असली दौलत गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस, कुत्ते, बिल्लियां नहीं होते। असली दौलत वो हमारे अपने होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अब बताइए कौन जीता और कौन हारा? अपनी जीत पर इतनी जल्दी मत इतराओ जमाई राजा। पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती और पैसा मेरे पास है और ये पैसा मैं जिसकी तरफ फेंकूंगी वो पालतू कुत्ते की तरह मेरी तरफ वापस लौटाएगा। पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। सब कुछ खरीद सकती है? हाँ। जायदाद? हाँ। फैक्ट्रियां? हाँ। जमीन? हाँ। गहने? हाँ। मंगलसूत्र और सिंदूर? हाँ। ये आप नहीं खरीद सकती। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जैसे कि वो अपने जो आपको छोड़कर चले गए। अब बताइए सासू जी, ये कैसी रही? सिस्टर, इन कीचड़ भपकियों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने इरादे पर अटल रहना, 4 दिन की बात है सब साले तुम्हारे पांव पर गिरेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, 15 साल बाद भरा पूरा घर देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरा पोता, मेरा दामाद,
सब मेरे पास है, बस दुर्गेश्वरी की कमी है। आज वो होती तो घर पूरा हो जाता। वो दिन भी दूर नहीं है ससुर जी, अपने दामाद पर भरोसा रखिए। जीजा जी, बातों बातों में रात गुजर रही है, मुर्गा किसी वक्त भी कुकुड़ कू करने वाला है। आज हमारी सुहागरात है, अगर प्लीज आप हुक्म दे दें तो। साले साहब, पल्लू से बंदे बंदे आपको हर चीज के लिए हुक्म लेने की आदत पड़ गई है। अरे सुहागरात के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। सर क्या खुजा रहे हो, सीधे जाओ, दाहिने मुड़ो, वहाँ तुम्हारा कमरा है। कमरे में बिस्तर है, बिस्तर पर फूल है और फूलों पर बस मैं जानता जानता है।